जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है मीन राशि के लिए अगस्त 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह के बारे में जो इस मंथ के दौरान राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो 11 अगस्त 2016 को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से कन्या राशि के अंदर चलेंगे। तो सिंह में से कन्या में चलने वाले जो गुरु हैं वो आपके लिए शुभ बनने वाले हैं क्योंकि आपके जन्म के चंद्र के ऊपर गुरु ये सीधी दृष्टि करेंगे जिसके कारण आपकी मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होगी। लाभ स्थान में गुरु की पंचम दृष्टि होगी जिसके कारण मित्रों से लाभ रहेगा और ये गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पराक्रम स्थान में होगी जिसके कारण आपको नए साहस से लाभ करवाने वाले भी बनेंगे। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से सप्तम स्थान में शुभ है आपके लिए रहने वाला है। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह का सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह जो है वो आपकी राशि से पंचम स्थान में चल रहे हैं। 16 अगस्त 2016 तक राशि से पंचम स्थान में सूर्य का जो भ्रमण है वो मध्यम प्रकार के माने जाएंगे। जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में बहुत केयर करना होगा, मित्रों के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा और सर्वदा सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं उनको भी अपने कार्य के अंदर विशेष सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। 16 अगस्त 2016 के बाद सूर्य चलेंगे राशि से छठवें स्थान में। तो छठवें स्थान में सूर्य का भ्रमण आपके लिए शुभ रहने वाला है। यहाँ पर राहु ऑलरेडी चल रहे हैं, हालांकि छठवें स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं जिसके कारण आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। बुध और शुक्र भी यहाँ पर चल रहे हैं। बुध का जो भ्रमण है वो 19 अगस्त 2016 तक है। 19 अगस्त 2016 तक कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लिया जाए। शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो 25 अगस्त 2016 तक है छठवें स्थान में। उसके बाद शुक्र चलेंगे सप्तम स्थान में। तो शुक्र का जो भ्रमण है वो सप्तम स्थान में शुभ रहने वाला है। अवैवाहिक जो जातक है उनको विवाह के योग बनते हैं, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। और ख़ास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है 9, 10 और 11 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तो तुला के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। तो ये था प्रेडिक्शन मीन राशि के लिए अगस्त 2016 का। यदि आपके कोई मित्र हैं मीन राशि वाले तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करो ये चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।